सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कहते हैं जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते वो इंसान हरगिज पत्थरों से कम नहीं होते। जी हां, सचमुच इंसान वही है जो मुश्किल वक्त में इंसान के काम आता है। वैश्विक आपदा की इस घड़ी में कई समाज सेवी संगठन बढ़ चढ़कर गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसा ही एक परिवार है जो रात दिन गरीबों की सेवा में लगा है। हालांकि वो किसी नाम का मोहताज नहीं है, लोग उन्हें सतवीर सिंह राजा के नाम से जानते हैं। जैसा नाम वैसा ही कर्म, दिल के भी वो राजा हैं, जिनकी चौखट पर अहले सुबह ही लोगों की भीड़ लग जाती है और उनकी चौखट से कोई भी आदमी खाली नहीं जाता है। उनके सुपुत्र ने अपनी टीम के साथ मिलकर यह जिम्मेवारी अपने सर उठाई है और पूरी ताकत से लॉकडाउन के पहले दिन से ही गरीबों की भूख मिटाने में लगे हैं। हर जरूरतमंदों की सेवा में प्रतिदिन लगे रहते हैं। हर रोज सैकड़ों पैकेट राशन, चावल, आटा, दाल, सब्जी, बिस्किट, साबुन, तेल, सर्फ इत्यादि तैयार कर लोगों के बीच बांटने जाते हैं। हर रोज अपनी टीम के साथ गुरबीर सिंह निकलते हैं सुदूर गांव से लेकर शहर के हर गली चौक चौराहों तक, ताकि कोई भूखा ना सोए। इनका साथ दे रहे हैं टीम के सदस्य बॉबी वालिया, राजेंद्र सिंह बंटी, मन्नत बग्गा, प्रतीक श्रीवास्तव, करणदीप संतोष और कपड़ा बैंक की संचालिका सुरमिला सुमी। न सिर्फ ये बांटते हैं बल्कि शाम को आकर ये पैकेट भी तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कोई भी भूखा नहीं सोएगा और हम सूखा राशन पहुँचाएंगे, क्योंकि बनाकर रहने में बहुत सी परेशानियाँ हैं और उसमें फिर है कि बासी होने का डर है, गर्मी का दिन है, तो जो सूखा राशन हम लोग दे रहे हैं उसमें चावल, दाल, आलू, आटा, सरसों का तेल, साथ में लोग स्वच्छता का भी हम लोग संदेश दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये फिर कीटाणुनाशक साबुन भी दे रहे हैं, ताकि लोग, उनमें समस्या है कि हम लोग सफाई रहने के लिए तो आप लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग हाथ कैसे धोएं, तो हम लोग लाइफ बॉय, डेटॉल, जो भी साबुन हमें मिल पा रहा है मार्केट में तो उसे हम लोग दे रहे हैं। सरसों का तेल भी साथ में दिया जा रहा है, तो इससे उनके बीच काफ़ी राहत पहुँची है उनको, और पूरे परिवार के साथ वो बैठ के कम से कम खाना खा सकते हैं भर पेट। तो इस तरह का अभियान लॉकडाउन के फर्स्ट डे से चल रहा है, अभी लगभग 29 दिन हो चुके हैं इस अभियान को जारी रखते हुए। कितना आदमी को प्रतिदिन लगभग 100 पैकेट तो तैयार हो ही जाता है, और इतना हम लोग बांट भी लेते हैं अलग अलग एरिया में जाकर, और कुछ यहाँ घर से भी लोग ले जाते हैं, सुबह से ही तांता लगा रहता है लोगों का और लोग आते हैं यहाँ से लेके जाते हैं जिसको जैसी ज़रूरत महसूस होती है, नज़दीक वाले लोग, और बाकी लोगों को फ़ोन कॉल्स पर मुहैया कराया जा रहा है राशन। क्या लगता है जैसे ये बांट रहे हैं तो कितना लोगों में रेस्पॉन्स जा रहा है, बांटने से कितना राहत लगता है? कि बहुत खुशी की एक लहर सी छा जाती है लोगों में। कहीं तो हमने सुदूर गांव में देखा कि गाड़ी देख के लोग बहुत दूर से दौड़े हुए आते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ सहायता लोगों को मिलने वाली है और सहायता की गाड़ी है यह, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज है, और लोग बड़ी ईमानदारी से पालन भी करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर सबसे अधिक हम लोग जोर देते हैं पहुँचते के साथ, और हमारी टीम भी ग्लव्स, मास्क, सब सारे जो सरकार के जो नियम हैं, जो
जो एक बनाया गया है दायरा कि उसके अंदर आपको काम करना है, उसका भी हम लोग पूरी शक्ति से ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। क्या लगता है ये मतलब आगे भी जारी रहेगा? अभी अगर लॉकडाउन बढ़ा तो हम लोग कोशिश जरूर करेंगे कि जब तक लॉकडाउन है तब तक, अभी तो 3 मई तक हम लोग मन बना के चल रहे हैं, मानसिक रूप से हम लोग तैयार हैं कि 3 मई तक हम लोग को ये करना है। मन में बात ऐसे आई थी जैसे कि कभी एक दिन भी भारत बंद या किसी नक्सली बंद की वजह से होता था तो हम लोग स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं कि रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं उन लोगों को परेशानी होती थी, तो सब कुछ बंद रहता था। तो जिस समय ये जनता कर्फ्यू लगा 22 को और ये लॉकडाउन हुआ तो ऐसे हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे थे कि रोज़ कमाने खाने वालों को भी काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो वैसे फादर से बात हो रही थी मेरी, तो उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं राशन वितरण का सेवा शुरू किया जाए, तो वही सबने पहले दिन से शुरू किया। मतलब फादर का भी पूरा सहयोग मिला? पूरा, सब पूरा सहयोग उन्हीं का है। तो ये मतलब हम बांटते हैं तो घर के लोग कितना, मतलब फादर के अलावा घर के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं? सब कुछ सहयोग करते हैं एक्चुअली, अभी पूरी फैमिली दिल्ली है, मेरी मेरा छोटा भाई यहाँ पर है, तो छोटा भाई पैकिंग करता है और हम बांटते हैं। तो ये नहीं लगता कि मतलब इस ये जब आप किसी को देते हैं संतुष्ट होता है तो समय कैसा, मन में कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है एक्चुअली। जब पहली बात तो यार गाड़ी खड़ी होती तो लोगों को एक हो जाता सहारा है, कुछ आया है हमारे एक लोग, तो सब सारी संस्थाएँ जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी समझा रही, तो पता चल जाता है यहाँ पर संस्था होके गई है, लोग अपने आप वो सोशल डिस्टेंसिंग की लाइन मेंटेन करने लग जाते हैं और वहाँ पर उनके चेहरे खिल उठते हैं तो उनको देने का एक अलग आनंद मिलता है। फिर ये काम में क्या क्या बांट रहे हैं आप? सर जैसे शुरू में हम लोगों ने 2 किलो आलू, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1/2 किलो दाल, प्याज, टमाटर, नमक, बिस्किट, साबुन ये दिया था। फिर 10-15 दिन बाद जब हमारी मीटिंग डिसीजन से हुई तो उन्होंने कहा कि थोड़ा लॉकडाउन लंबा चलेगा इसलिए हम लोग जरूरत की चीज़ें ही दें जो जिसकी वजह से लोग अपना उनको परेशानी ना हो। उसके बाद फिर हमने 2 किलो आलू, 2 किलो चावल जो उन्होंने ऑर्डर दिया हमें, नमक, बिस्किट और ये सैनिटाइज़र कभी देते हैं, कभी मास्क देते हैं, कभी 2 ml का तेल दे दिए, ये सब मिला के दे रहे हैं। इस काम को अलग समय निकालते होंगे? तो पूरा ही फ्री समय है सर, पूरी सब कुछ लॉकडाउन है वैसे सारा कुछ फ्री है तो हम लोग इसी में लगे हुए हैं। फादर नहीं है, फादर क्या संदेश देते हैं जब आप बताते होंगे तो? फादर रोज बात होती है फ़ोन पे कि आज कहाँ गए थे, पूछते ही हैं, रिपोर्ट लेते ही हैं, बताते हैं तो चलो सब अच्छा से हो गया, हाँ सब अच्छा से हो गया, रिपोर्ट लेते हैं रोज। तो ये जो काम कर रहे हैं अभी लॉकडाउन लगता है कि 3 मई तक अभी टारगेट है, उसके बाद अगर लॉकडाउन होगा तो क्या आगे भी करेंगे? फादर सहयोग कर रहे हैं पूरा, वही दे रहे हैं पैसा तो करेंगे, मतलब है तैयार। हाँ उनसे मेरी बात चुकी थी, कोई बात है जब तक लॉकडाउन है करो, जितना क्षमता उतना ही करो, रोज करो। और इसमें कितने लोग लगे रहते हैं आप लोग? हमारी टीम है सर जैसे कि राजेंद्र सिंह बट्टी जी हो गए, मनप्रीत वालिया जी हो गए, शर्मिला मैम हो गई, मन्नत सिंह बग्गा, कभी प्रतीक श्रीवास्तव, कभी करणदीप सामधारी, अब जैसे 4 लोग को जाना होता है तो मेन तो 2-3 लोग हम लोग जाते ही हैं, साथ में एक हेल्प करने के लिए हमारे छोटे भाई लोग भी जाते हैं, तो वो लोग कभी एक दिन कोई गया, कभी एक दिन कोई गया। कहाँ कहाँ ये कोशिश मतलब कोशिश किस एरिया को करते हैं कि जहाँ पर? सर बेसिकली हम लोग स्लम एरियाज को टारगेट करते हैं कि वहाँ पर हम लोग पहुँचा सकें, जैसे कि हम लोग मुसर टोला, कुष्ठ कॉलोनी मेडिकल कॉलेज के पीछे, और सब जगह जितने भी आपके, हमने अभी तक जब से शुरू किया 29th डे हम लोग का हुआ आज बांटते हुए, 29 दिन हो गए, तो जैसे कि पहाड़ के पीछे कोई है मुसर टोला, वहाँ हम लोग गए थे चियाँकी, फिर उसी के अंदर कोई 2-3 किलोमीटर आगे जाके एक और मुसर टोला है, वहाँ हम लोग गए थे, बखारी गांव गए थे, बंधुआ गांव गए हैं, शाहपुर तक गए हम लोग, शुरू शाहपुर से किए थे, तो मैक्सिमम एरिया हम लोगों ने कवर कर चुका, अभी 3rd या 4th टाइम अब वो जगह रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ये लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। क्या कहेंगे लोगों से, अपील क्या करेंगे, मान ली इस तरह का जो माहौल है उसमें क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे समाज सेवी लोग, बहुत सारे लोग अपने इंडिविजुअल तरीके से भी सब जगह बांट रहे हैं, हर जगह ये लोग खुद पहुँच रहे हैं, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ 1-2 टीम पहले से दे चुकी होती है राशन, चाहे देने जा रही होती है, तो मतलब सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। मेरा तो यही रिक्वेस्ट था कि सब कोई अपने आसपास के लोगों को, आसपास के एरिया को संभाल लें, जैसे RTC सर ने हमें एरिया डिवाइड कर दिया है, मेरे को मिला है बेलवा टिकर, सदिक चौक से लेके पूरा इधर बेलवा टिकर कांदू मोहल्ला का एरिया पूरा मेरे को मिला है कि यहाँ का एरिया मेरे को देखना है, तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है बहुत अच्छी चीज़ है कि एक जगह 2 बार राशन नहीं पहुँचेगा, 2 टीम्स नहीं पहुँचेंगी, ये बहुत सारी संस्थाएँ और भी काम कर रही है, एक जगह एक बंदा दे गया तो उसको पता है कि आज मैंने इतना दिया तो 2 दिन बाद फिर वहाँ देना है, तो 2 दिन बाद फिर वहाँ दे सकता है और देगा, मतलब एरिया डिस्ट्रीब्यूट RTC सर के थ्रू हो चुका है, तो मतलब इस एरिया को आप कवर कर रहे हैं?
पहले मेरा बेलवा टिकर चांकी और ये सदिक चौक से लेकर पूरा कांदू मलाला एरिया मिला है। ये एरिया तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस एरिया के बावजूद भी अगर हमें कहीं से फ़ोन आते हैं तो वहाँ भी हम पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुनते हैं सुबह में घर पर भी लाइन लंबी लाइनें लग जाती है। हाँ, लोग आ रहे हैं नीचे वाले मोहल्ले से, सब आते हैं हमारे पंपों कल से, जब आते हैं घर पर 10-15 लोग आ ही जाते हैं, दो दो करके तो उन लोग को दे देते हैं। चलिए, तुम आप मतलब क्या मतलब संदेश क्या देना चाहेंगे शहर के लोगों को, क्या बोले? लोग तो बहुत लकी हैं सर कि पलामू में एक भी केस कोरोना का नहीं पाया गया है। तो इसी चीज़ में हम यही बोलेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो डीसी सर हम लोग को बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करना, लॉकडाउन है, घर पर रहो, तो वो हमें पालन करते रहेगी, यहाँ पर कोई केस ना ही आए तो अच्छा है। मानस की जात सब एक ही पहचान को हमारे गुरु ने बोला है, और ये राजा विहार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें ये सेवा करने का मौका दिया है, क्योंकि हमें सेवा करने से जो आनंद मिलता है, और हम जहाँ जहाँ भी गए हैं बखारी गांव या और भी कहीं भी गए हैं, तो बहुत मन को सुकून मिलता है कि सेवा करते हुए लोगों में मतलब आप लोग जब जाते हैं तो लोगों की संतुष्टि देखते हैं मन में? हाँ, लोगों के मन में संतुष्टि देखते हैं, और अगर उन्हें जैसे लॉकडाउन का जैसे पालन करने के लिए बोला जाता है कि आप थोड़ा दूरी बना बना के रहें, तो वो हमारी बात भी सुनते हैं। और हमारे गुरबीर भाई जो हैं, गोलू भाई, उनके देख रेख में ही ये सब चल रहा है। लॉकडाउन जब से हुआ है, जनता कर्फ्यू जब हुआ था, उसके बाद से ही हम लोग दूसरे दिन से ही लगे हुए हैं सारे, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ बांटते हैं ये हम लोग जैसे स्टार्टिंग में हम लोग चैनपुर, शाहपुर, बिलवाटिकर, कानू मोहल्ला, क्याकी, फिर हम लोग ये बारह लोटा भी गए थे अभी दो दिन पहले, दो वहाँ दो बार होके आए हैं, बारह लोटे डीएलए कॉलेज के पीछे साइड में गए थे अभी दो दिन पहले, वहाँ बांट के आए हैं, मतलब पूरे क्षेत्र में। हाँ, पूरे क्षेत्र में लगभग लगभग हम लोग, और यहाँ जहाँ पे जेल हाथा के पीछे जो विकलांग लोग का आवासीय विद्यालय है, वहाँ भी हम लोग दो बार गए। 13 तारीख को हम लोग का बैसाखी था, बैसाखी पर तो हम लोग बहुत सादगी ढंग से मनाए, तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के जो प्रधान साहब हैं उनके तरफ से लंगर का आयोजन हुआ था, जिसमें हम लोग सब पुलिसकर्मी और जो विकलांग जो आवासीय है वहाँ गए, वहाँ सबको, हमारी भाभी भी हमारे साथ की थी, तो मतलब लगातार बांट रहे हैं हम लोग सेवा कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तो कोशिश करेंगे कि हम लोग सेवा करते रहे, आगे ऊपर वाले की जो मर्जी होगी उसी हिसाब से चलेंगे हम लोग।